नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी टक्स के बारे में। जैसे आप लोग टक्स कैसे लगाएं और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अलग अलग साइज के टक्स लगाने हैं हमें, तो कोई कठिन नहीं है। देखिए, ये हमारी चेस्ट है, तो 36 इंच की चेस्ट है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे नापेंगे, तो यहाँ पे हो रहा है 9 इंच, तो 9 इंच को हम इसको आधा कर लेंगे यहाँ से, तो इसके हो रहे हैं 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा मेन प्लेट, जो हमारी नीचे की प्लेट है वो मेन है, तो इसी के बराबर हमें तीनों प्लेटें डालनी है। अब तीनों प्लेटें आप चाहें तो एक गोला बना लें यहाँ पे। अब गोला भी हमें ब्लाउज को देख के बनाना है, कि अगर हमारा चेस्ट है 32 तो हमें 8.5 इंच पे निशान लगाना है, अगर हमारा चेस्ट है 36 तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, और हमारा चेस्ट है 40 तो हम 10 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि ये चेस्ट के हिसाब से हमें ये निशान लगानी है, क्योंकि 40 चेस्ट है तो वो सीना भारी रहेगा, तो उसके लिए हमें नीचे ही निशान लगाना है। तो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे, तो ये 9 इंच पे निशान है और आधा इंच हमने ऊपर की साइड छोड़ा है, तो ये हमारा 9.5 इंच हो गया। ये देखिए, अब हम ये प्लेट डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे, तो अगर आप चाहें तो नाप के भी डाल सकते हैं प्लेट। जैसे ये हमारा यहाँ पे तीरा लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 इंच की दूरी रख सकते हैं, 1.5 इंच की भी दूरी रख सकते हैं, तो 1.5 इंच हम रखेंगे, तो इसको हमें इस तरीके से तिरछी प्लेट डालनी है इस तरीके से। अगर 2 इंच दूरी रखेंगे तो इस तरीके से हम सीधी प्लेट डाल सकते हैं, और इसमें हमें गैप रखना है 2-2 इंच का। यहाँ पे हम 2-2 इंच का गैप रखेंगे, प्लेट हमारी इतनी दूरी होनी चाहिए 2-2 इंच की। अब नीचे की जो हमारी बगली की प्लेट है वो भी हम 2 इंच की दूरी रखेंगे तीरे से, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे भी एक प्लेट का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी हमने 2 इंच की दूरी रखी है। अब आरोमल की, आरोमल हम इस तरीके से नाप लेंगे 6 इंच पे, तो ये 6 इंच पे यहाँ पे लगा लेंगे। तो अगर मैं कहूँ आप यहाँ पे लगा लीजिए, तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये देखिए शेप नहीं आएगा, प्लेट इधर की साइड जा रही है, तो थोड़ा हमें ब्लाउज को देख के भी निशान लगाने हैं कि हमारी प्लेट का शेप इधर की साइड आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लगा लेंगे तो ये प्लेट देखिए यहाँ पे हो रही है, तो मेन प्लेट हमारी ये नीचे की है, तो इसको आप डालने में परेशान हो रहे हैं कि कैसे डालें, तो इसका यही सलूशन है कि आप यहाँ से इसको इस तरीके से नाप लें कि ये यहाँ पे 8 इंच है तो 4 इंच पे लगा लीजिए, अगर 9 इंच है तो 4.5 इंच पे, अगर 10 इंच है तो 5 इंच पे, और यहाँ पे जो हमारी ये गुंजाइश है इसको तो छोड़ देंगे हम, जितनी भी हमने ये गुंजाइश ली है तो यहाँ पे हम पहले निशान लगा लेंगे, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब ये देखिए कितना सिंपल है निशान लगाना। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, दूसरा पल्ला है। अब दूसरी साइड भी ये हमारे निशान हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लेटें हमें कैसे डालनी है। प्लेटें भी डालने का एक शेप होता है, आप चाहें तो इसको यहाँ से आधा इंच दबा के और सीधा सिलाई लगा दें और उतार लें, तो फिटिंग नहीं आएगी प्लेट में, और आपका जो चेस्ट है वो एकदम ढीला ढीला सा रहेगा। अगर आप इसको शेप में डालेंगे, आधा इंच आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है चौड़ाई में, यहाँ पे आधा इंच लेंगे और इसको हम कम करते हुए उतारेंगे शेप में, तो एकदम हमारा यहाँ पे पफ बन जाएगा, तो ये सीने में अच्छा फिटिंग आएगा। और यहाँ पे जो हमारी नीचे की प्लेट है वो हमें 1 इंच की चौड़ाई लेनी है, अगर 40 चेस्ट है तो 1.5 इंच की ले लेंगे, क्योंकि नीचे हमें ज्यादा कपड़ा दबाना है, 1 इंच का यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसको भी हमें कम करते हुए शेप में उतारना है। अब इसकी लंबाई हम रखेंगे प्लेट की, तो हमेशा हम 2.5 इंच की प्लेट की लंबाई रखते हैं, चाहे वो 32 चेस्ट हो या 36 चेस्ट हो या 40 चेस्ट हो, तो हमें 2.5 इंच की ही लंबाई रखनी है। अब यहाँ पे हमने आधा इंच की चौड़ाई ली है, तो यहाँ पे भी हम आधा इंच की चौड़ाई लेंगे और आधा इंच की आरोमल में लेंगे। पहले हम ये गले वाली प्लेट डालेंगे, ये हमने शेप में उतारी है कम करते हुए। अब नीचे की यहाँ पे 1 इंच, इसको भी हमने कम करते हुए उतारा है। अब यहाँ पे आधा इंच, आधा इंच कपड़े को दबाना है डबल करके और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे।
आरूमल की प्लेट है, वो भी आधा इंच लेना है चौड़ाई में और कम करती हुई उतार। अब ये हमारी चारों प्लेटें डल गई हैं और ये देखिए एकदम सही पपाया है इसमें और शेप में प्लेट डली होगी तो आप इसमें प्रेस लगा लेंगे और एकदम सिंपल सा हो जाएगा और बिल्कुल यहाँ पर झोल नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल झोल नहीं आनी चाहिए, जो एक निशान सा बन जाता है यहाँ पे जो झोल सी आती है तो वो झोल नहीं आनी चाहिए हमारी प्लेट में, हमेशा हमें प्लेट शेप में उतारनी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड डालेंगे और तीरा लगाएंगे। तीरे पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है नीचे की साइड अस्तल को जोड़ के, अब इसको हम डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा लगाने में हमें आसानी रहेगी और अस्तल भी इसमें अच्छे से चिपक जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई है वो आगे की साइड रखेंगे और कम चौड़ाई है वो पीछे की साइड बगली की साइड। अब इसके ऊपर हम ये तीरे को इस तरीके से रखेंगे या आप तीरे के ऊपर इसको रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं। अब तीरे को भी हमें जोड़ना है तो शेप में सिलाई लगानी है, जैसे हमारी तीरे की कटिंग है उसी के ऊपर हमें ऊपर वाला प्लेट वाला पल्लर रखेंगे और ये प्लेट है उसको अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच दबाएंगे। अगर हम इसको पूरा दबा देते हैं तो यहाँ पे अलग सा झोल सी आ जाएगी, तो हमें प्लेट अंदर की साइड दबानी है और आधा इंच सिलाई में दबाना है। ये हमारा तीरा, देखिए सिलाई हमें हमेशा शेप में लगानी है, जैसी हमारी कटिंग है उसी के ऊपर हमें तीरा रखना है और कपड़े को भी हमें आधा इंच दबा रहे हैं तो आधा इंच ही दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, कहीं कम कपड़ा दबेगा कहीं ज्यादा तो हमारा शेप अच्छा नहीं आएगा। तो ये हमारा तीरा लग गया है, अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड तीरा लगाएंगे। अब ये दोनों साइड हमारी ये प्लेटें डल गई है, अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो एक पट्टी हमें अंदर लगानी है एक बाहर लगानी है, तो बाहर वाली जो पट्टी रहेगी वो हमारी एक इंच की या डेढ़ इंच की रहेगी, अंदर वाली पट्टी हम एक इंच की लेंगे या डेढ़ इंच की चौड़ाई लेंगे और उसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब हमने यहाँ पे डेढ़ इंच लिया है चौड़ाई में, वो आप अपने हिसाब से दबा सकते हैं। अगर आप बटन लगाना चाहें तो इसको डेढ़ा हाथ है जो वहाँ पे पट्टी दबानी है, अगर आप हुक लगाना चाहें तो ये पट्टी सीधे हाथ पे दबानी है। यहाँ से पट्टी हम आधा इंच ज्यादा रखेंगे, अब इसको हम अंदर की साइड दबाएंगे। तो इसको पहले हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी पट्टी अच्छे से अंदर की साइड दब जाए, क्योंकि इसकी भी शिकायतें आती हैं कि पट्टी हमारी बाहर की साइड आती है, तो आपको पहले किनारे पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे दूसरी सिलाई हमने लगाई है तो यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं और ये सिलाई को हटा देंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी रख सकते हैं, ये हमने जो सिलाई लगाई है। तो ये देखिए पट्टी हमारी बिल्कुल अंदर की साइड है, किनारे पे सिलाई लगाने से पट्टी अंदर की साइड हो जाती है। अभी हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 3 इंच की है और ये पट्टी की चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है। पहले हम यहाँ पे इसको रख के सिलाई लगा लेंगे। अब ये पट्टी को भी हम आधा इंच आगे की साइड रखेंगे बड़ा। अब इस पे पहले हम एक सिलाई लगाएंगे। अब ये पट्टी को यहाँ से अंदर की साइड। अब
देखिए, ये पट्टी हमारी बाहर की साइड है, यहाँ पे हम काट बनाएंगे और जो पट्टी हमारी अंदर की साइड है वहाँ पे हुक लगाएंगे। अब जैसे हमें बटन लगानी है तो ये पट्टी हमें सीधे हाथ पे लगानी है और अंदर वाली पट्टी टेढ़े हाथ पे, तो हम इसमें बटन लगाएंगे। तो हमने ये पट्टी टेढ़े हाथ पे लगाई है अंदर वाली, और बाहर वाली पट्टी हमारे सीधे हाथ पे। तो ये देखिए तीरा, तो ये जो हमारी तीरे की सिलाई है वो हमारी नीचे की साइड दबनी चाहिए, कपड़े को हम नीचे की साइड ही रखेंगे। और ये प्लेट है वो हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, आरोमल की प्लेट भी हमारी ऊपर की साइड रहेगी जब हम इसको जोड़ेंगे फिटिंग करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से हम इसको बराबर देख लेंगे, हमारा छोटा बड़ा पल्लर है तो हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे, हमारा बराबर हो गया। अब जैसे गले में पाइपिंग कैसे लगानी है और इसकी फिटिंग कैसे करनी है और बाजू कैसे जोड़नी है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या थी टक्स की, तो वो मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बताया है। और इसी तरीके से आप किसी भी चेस्ट वाला ब्लाउज बना सकते हैं, चाहे वो 32 चेस्ट हो या 36 चेस्ट हो, आपको सिर्फ यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा निकालना है। जितना भी आपने कपड़ा लिया है 1 इंच या 1.5 इंच, वो आप यहाँ से इंची टेप को रख के अपनी फिटिंग का निशान लगा लें। जैसे हमारी यहाँ पे फिटिंग थी 9 इंच, तो हमने निशान लगा लिया और इसका हमने यहाँ पे नापा तो यहाँ पे हो रहा था 9 इंच, तो हमने इसको आधा किया तो 4.5 इंच हुआ। तो 4.5 इंच पे हमने नीचे की प्लेट डाली है। इसी तरीके से आपको आधा करना है और प्लेट डालनी है। तो ये हो गई आपकी प्लेट और टक्स के की समस्या हल। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।